हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप स्विगी में एज अ डिलीवरी पार्टनर वर्क करते हो या फिर स्विगी में ज्वाइन करना चाहते हो तो आज की ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, बिकॉज आज के समय को स्विगी का एक न्यू रेट कार्ड शेयर करूंगा 2023 का, जिस रेट कार्ड के थ्रू आप राइडर अर्निंग करने वाले हैं। ओके, तो इस रेट कार्ड से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन लाइक पे आउट आपको कैसे देखने मिलेगा, कैसे आपको मेन्यू देखने मिलेगी, इंसेंटिव स्ट्रक्चर अब क्या होने वाला है, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस रेट कार्ड से रिलेटेड आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड में कोई वीडियो हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे, इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब को प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का बड़ा सबसे मिस ना हो। चलेगा इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी जोमेटो या फिर स्विगी से प्लेटफॉर्म अपने राइडर अपने डिलीवरी पार्टनर के लिए पर मंथ नए नए अपडेट नए नए रेट कार्ड लेके आते हैं ताकि राइडर्स की अर्निंग इंक्रीज हो सके। बट कभी कभार यही कंपनियां राइडर्स साथ चीटिंग भी कर जाती हैं, सोचती हैं राइडर बेवकूफ़ हैं, नए अपडेट नए रेट कार्ड को वो अच्छे से यहाँ पे करेंगे, फॉलो करेंगे, उनकी अर्निंग इंक्रीज होगी, बट वहाँ अर्निंग इंक्रीज होने के चलते और उल्टा राइडर्स को लॉस होता है। तो यहाँ पे रिसेंटली यही सब चीज स्विगी के इस न्यू रेट कार्ड में आपको देखने को मिलेगी, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्विगी का अब तक का 2022 का रेट कार्ड दिखा चाहता हूँ, जिसमें आपको अब तक कितनी अर्निंग होती थी, कितना आपको यहाँ पर आपको ऑर्डर पे करना पे आउट पे करते थे कंपनी, वो आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल ऑर्डर अर्निंग 20 रुपीज़ हर एक ऑर्डर कंप्लीट पे आपको मिनिमम टू मिनिमम एस्योर्ड आपको अर्निंग होती थी 2022 में। ओके, यहाँ पे आपको डिस्टेंट टू रेस्टोरेंट आपको जब कोई भी आप पार्सल पिक करने जाते हो तो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर से कंपनी आपको पे करती थी। वेटिंग टाइम एट रेस्टोरेंट, यानी कि रेस्टोरेंट में अगर आप वेट करते हो और 4 मिनट से अब का कोई अगर टाइम स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आपको 1 रुपीज़ पर मिनट के हिसाब से आपको कंपनी देती थी। डिस्टेंट टू कस्टमर 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। रिटर्न टू जोन, यानी कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर होता था और आपको जोन में वापस आना होता था तो रिटर्न टू जोन का 4.5 किलोमीटर के आवाज से यहाँ पे 5 रुपीज़ पर किलोमीटर से कंपनी आपको पे करती थी। इसी तरह ऑर्डर कंप्लीशन में 3 रुपीज़ पर ऑर्डर, लेट नाइट बोनस में 15 रुपये। तो यहाँ पे ये स्लैब था 2022 में, और आज के टाइम पे स्लैब क्या है वो आपको स्क्रीन पे मैं आपको स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे पर ऑर्डर आपको अर्निंग होगी 25 रुपीज़ कन्फर्म, ये आपकी ऐसी ऑर्डर अर्निंग होगी। अब बहुत सारे राइडर यहीं से भी खुश हो रहे होंगे कि भाई पहले 20 था अब 25 है, तो यहाँ पे 5 रुपीज़ अब एक्स्ट्रा हम लोग की अर्निंग होगी, तो यहाँ पे आप अच्छी खासी कमाई कर पाओगे। बट ऐसा सीन नहीं है, ये आपकी एक समझ लो माइंड को एक डाइवर्ट करने की कोशिश है। बट अगर आपको इसको चीज़ें समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी जजमेंट नहीं है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लालच दिया जा रहा है। इसके नीचे आपको देखने मिल रहा होगा डिस्टेंस टू रेस्टोरेंट 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, ये तो चलो सेम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वेट टाइम एट रेस्टोरेंट 1 रुपीज़ पर मिनट हिसाब से कंपनी पे कर रही है, जो पहले भी था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग आफ्टर 7 मिनट, यानी जो पहले जो टाइमिंग काउंट हो रही थी 4 मिनट से बाद, अब टाइमिंग काउंट होगी 7 मिनट के बाद, यानी कि रेस्टोरेंट पे आप 7 मिनट वेट करोगे उसके बाद से यहाँ पे आपको वेटिंग टाइम मिलेगा, यानी 3 रुपीज़ सीधे यानी कंपनी ने आपके जेब से काट लिए और बोल रही है 25 रुपीज़ अर्निंग, बट यहाँ पे सीधे सीधे आपकी 3 रुपीज़ की अर्निंग सीधे सीधे काट ली। इसके बाद डिस्टेंस टू कस्टमर 6 रुपीज़ पर किलोमीटर, 1 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करेगी, बट वो उतना प्रॉफिट नहीं बिकॉज यहाँ पे 3 रुपीज़ ऑलरेडी डिडक्ट कर रही है। रिटर्न टू जोन 4.5, यहाँ पे 4 रुपीज़ पर किलोमीटर, पहले था 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, यहाँ पे 1 रुपीज़ फिर से माइनस। तो इसी तरह आप यहाँ पे सीन देख सकते हो। अब जैसे मैं आपको इनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर में अब तक आपको जो ऑर्डर का क्राइटेरिया था, यानी कि आप 300 रुपये का ऑर्डर करो, 250 रुपये का ऑर्डर करो, तब जाकर आपको एक इंसेंटिव स्लैब आपका अनलॉक होता था। बट अब ये सब सीन चेंज करके आपको पर ऑर्डर के हिसाब से आपको यहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि आपको सबसे देखने में मिल रहा होगा डेली इंसेंटिव। अगर 15 ऑर्डर कंप्लीट करोगे तो 175 रुपीज़ की आपको यहाँ पे इंसेंटिव मिलेगा, अगर आप 18 ऑर्डर कंप्लीट करो तो यहाँ पे 275 रुपीज़ का इंसेंटिव मिलेगा, जो कि काफ़ी टफ है बिकॉज 10-15 ऑर्डर तो लगभग कर लेता है, बट वो भी तब नहीं होते जब ऑर्डर फ्लो नहीं होता। अब तक तो जान लो 250 रुपये 300 रुपये तक की अर्निंग जो टच होती थी तब इंसेंटिव स्लैब अनलॉक होता था, वो तो हर राइडर अचीव कर लेता था, बट यहाँ पे अब ये 15 ऑर्डर या फिर 18 ऑर्डर वाला क्राइटेरिया जो है ये बहुत टफ है, तो मुश्किल है। जिस सिटी में ऑर्डर फ्लो ज़्यादा है वहाँ पर राइडर यहाँ पर अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत टफ ये टास्क है। और यहाँ पर कंप्लीट एटलीस्ट 1 पिक्स और कंप्लीट एटलीस्ट 1 ऑफ पिक्स ये आपको देना कंपलसरी रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो है फिक्स पे ब्रेकफास्ट की जो टाइमिंग में अगर आप वर्क करोगे तो ये भी आपको स्लैब मिलेगा। यहाँ पे आपको
6 AM से लेके 12 PM तक का ये स्लॉट है। यहाँ पे आपको 4 hours 30 minutes का ये पूरा जो स्लॉट है, यहाँ पे आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 ऑर्डर तो आपको करना ही करना है, और यहाँ पे रिजेक्ट नहीं करना। एक से ज़्यादा रिजेक्ट अगर करोगे तो यहाँ पे इस स्लैब के हकदार आप भी नहीं हो। 50 rupees की आपको अर्निंग ये ब्रेकफास्ट वाली आपको इंसेंटिव स्लैब में आपको मिलेगा। इसके बाद लंच शिफ्ट में आपको 40 rupees का आपको इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम आपको 2 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, एक आप रिजेक्शन कर सकते हो। इसके बाद स्नैक्स वाले सेक्शन में आपको 15 रुपये की आपको अर्निंग होगी। यहाँ पे 1 ऑर्डर मिनिमम टू मिनिमम आपको कंप्लीट करना जरूरी है, 1 रिजेक्शन आपका अलाउड है। इसके बाद 50 rupees की आपकी अर्निंग होगी डिनर शिफ्ट में। यहाँ पे भी 2 ऑर्डर का आपको हर डे कम्प्लीट करना जरूरी है, यानी 2 ऑर्डर आपको कंप्लीट करना हर हालत में जरूरी है, और 1 रिजेक्शन यहाँ पे भी अलाउड रहेगा 7 PM से लेके 11 PM, यानी कि ये आपका 4 घंटे की शिफ्ट रहेगी डिनर वाली, और यहाँ पे आपको 50 rupees की अर्निंग होगी अगर आप ये इंसेंटिव स्लैब ग्रैब करना चाहते हो। इसके बाद पे लेट नाइट शिफ्ट, यहाँ पे आप अगर आप 12 बजे से बाद अगर वर्क करते हो लेट नाइट में, तो यहाँ पे 20 rupees आपकी अर्निंग होगी। 2 आपको ऑर्डर कंप्लीट करना मस्ट अलाउ है, और 1 रिजेक्शन आपका अलाउरेंस रहेगा। इससे ज़्यादा करोगे रिजेक्ट इंसेंटिव ये नहीं मिलेगा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर अब आपको देखने को मिलेगा 2023 के इस न्यू रेट कार्ड में, जो आपको आपके अकाउंट में एक्टिवेट हो चुका है, जिससे आप राइडर अर्निंग कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे राइडर ज्वाइन करना चाहते थे उनको मैं आपको रेट कार्ड दिखा दिया हूँ। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। एंड लास्ट वन, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मेरे सजेशन से, मेरे रिकमेंडेशन से, जो पहले का रेट कार्ड था 2022 का और जो आपका रेट कार्ड है 2023 का, कोई भी चेंजमेंट नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। जो राइडर उस समय अर्निंग कर रहे थे वही अर्निंग अब भी होगी। ओके, बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी बेवकूफ़ बनाती है कि अर्निंग ज़्यादा होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें बढ़ा के तो कुछ चीज़ें घटा रही है, ठीक है। तो अपना ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना। आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इंपॉर्टेंट लगी हो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चाहे सब्सक्राइब प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का बढ़ाए। तो सबसे मिलता हूँ, चलेगा मिलते हैं।